क्या हुआ बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रही हो? तो फिर अंकल देखिए इन्हें क्या हुआ। अरे बाप रे, सर 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 क्या हुआ सर? सर सर आपको कुछ नहीं होगा, तुम हॉस्पिटल पहुंच गए। माइनर हार्ट अटैक हुआ है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। तुम्हारे ड्राइवर अंकल को कुछ नहीं हुआ है, आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, जब बाकी दिनों में मैं लेट हो जाती हूँ और पापा मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता, तब यही ड्राइवर अंकल मेरा इंतजार करते हैं। तो क्या आज मैं आधे घंटे के लिए इनका इंतजार नहीं कर सकती? मुझे ड्राइवर अंकल के ठीक होने का इंतजार करने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप रोइए मत। आज मैं यहाँ जिस विषय के बारे में बात करने आया हूँ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालते हैं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, आने जाने में तकलीफ ना हो, इसलिए वो वैन का इंतजाम करते हैं। लेकिन स्कूल के ट्रस्टीज पैसे कमाने के लालच में स्कूल वैन में सही ड्राइवर्स नहीं रखते, 50 की कैपेसिटी वाली वैन में 100 बच्चों को ठूसते हैं, इसीलिए दुर्घटना होती है। और ऐसी एक दुर्घटना हाल ही में मेरे इलाके में हुई है। मैं स्कूल के ट्रस्टीज को या गाड़ियों के मालिकों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल वैन है उनमें स्पेयर ड्राइवर का होना जरूरी है। हर 15 दिनों में एक बार हेल्थ चेकअप और आई चेकअप होना चाहिए, और हर एक ड्राइवर को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिलाना चाहिए। स्कूल चाहे कौन सी भी हो, इन रूल्स का आज से सभी को पालन करना ही होगा। अचानक इतने सारे रूल्स का कारण क्या है सर? कल स्कूल के बच्चों को परेशानी हुई, ड्राइवर के साथ हादसा हुआ। ये रूल पास करने के पीछे वजह? जनता की सेवा के लिए ये वर्दी पहनी है, किसी वजह की जरूरत नहीं। आपको भरोसा है कि ये रूल लोग फॉलो करेंगे? इस रूल को हर किसी को फॉलो करना ही होगा, नहीं किया तो विद इन 24 आवर्स उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूं। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल है, हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दें तो हर महीने 3,60,00,000 और साल का 43,20,00,000 रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे, हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है मतलब 30 बच्चों का होता है 3,00,000, 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1,00,000 माइनस होने के बाद भी 2,00,000 बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपये खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा।
कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा ये काले का तुझसे वादा है। कल घोड़ों के साथ भाग रहे थे, आज क्यों अकेले भाग रहे हो? कल तुम दो लोग आए थे, आज तुम अकेले ही आई हो, क्या वजह है? कल तुमने कहा था ना तुम्हें लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ। रात भर जग कर प्रैक्टिस की है तब कुछ रिजल्ट आया है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? तुम्हें क्या लगा, साड़ी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा? कल तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था साड़ी पहनी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती है ऐसा कब का? इसका मतलब क्या है? तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो, आईएएस हो आईपीएस हो, उससे कम नहीं चलेगा। तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना नाम बायोडेटा सब कुछ बता चुकी हूँ। बस नाम बताने से प्यार हो जाएगा? मेरी गर्लफ्रेंड किसी रानी जैसी दिखनी चाहिए, सपनों में आनी चाहिए, पागलपन हो दीवानगी हो दिल में बसनी चाहिए, सुख दुख की बातें करनी चाहिए, बार बार परेशान करना चाहिए, ऐसी ही मेरी ख्वाहिशें हैं। वो सब छोड़कर एक साड़ी पहनकर आने से तुमसे कैसे प्यार हो जाएगा? अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊं? तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊं? तुम अगर दो कदम आगे बढ़ो तो मैं भी सोच सकता हूँ, अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके सपनों में आया हूँ सर। अबे मैं खुद जाग रहा हूँ तो तू सपने में कैसे आ सकता है? वो सब मैं नहीं जानता सर। ओहो, वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊँ, इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है सर। उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है, आप जरा जाकर देखिए ना सर। तुम्हारे सपनों में आई हूँ मैं। ड्रीम का बोर्ड लाने से कोई सपनों में आता है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात सुनिए सर। चुपचाप जा। इस वक्त उसे कहाँ लेकर जाऊँ? मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पूरा ड्रीम गेटअप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए, अब तो मान जाओ। क्या मान जाओ तुम्हारा सर, ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। मैं? तुम ही कर रहे हो, इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। और जो तुम मेरे सपनों में आते हो, रात भर में तुम्हारा टॉर्चर झेलती हूँ पता है? ए, मैं तेरे सपनों में कब आया? दोबारा सपनों में आओ तब बताऊंगी।